पलवल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा के साथ उसके ही गांव के दो युवकों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक 5 मार्च को जब वो स्कूल बस से उतरकर स्कूल की तरफ जा रही थी तो पीछे से उनके गांव का युवक दीपक वहां पहुंच गया और उसने युवती को कहा कि उसकी माँ की अचानक से ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, जिसके डर के मारे युवती उसके साथ बाइक पर बैठ गई। कुछ दूर जाकर गाँव का जतिन नामक युवक भी युवती के पीछे ही बाइक पर सवार हो गया और शोर मचाने पर पीछे से उसे हथियार दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। दोनों वहशी दरिंदों ने सुनसान जगह ले जाकर उसकी अस्मत लूटी। वहीं जब पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस को दी तो आरोपियों के परिवार ने पीड़ित परिवार के लोगों को धमकी दी कि अगर फैसला नहीं किया तो परिवार की अन्य महिलाओं को भी ऐसा ही अंजाम भुगतना पड़ेगा। कल हमें एक शिकायत मिली थी परिजनों की, जिस शिकायत पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? पॉक्सो एक्ट लगा है, SC/ST एक्ट लगा है उसमें, पॉक्सो एक्ट में। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? 3 लोगों के खिलाफ। क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें अभी? इसमें पीड़िता का मेडिकल हो चुका है, 164 और CWC बयानों के लिए भेजा हुआ है। बाकी आरोपियों की गहनता से जाँच करके शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट, SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही मामले की असली सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल देखना होगा पुलिस जांच के दौरान क्या निकल कर सामने आएगा। पलवल से नितिन शर्मा, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।